टाइटन पनडुब्बी को अमेरिका स्थित ओशन गेट नाम की कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है। दोस्तों साल 2009 में इस कंपनी की शुरुआत स्टॉकटन रश ने की थी और वो भी इस पनडुब्बी पर सवार है। दोस्तों 1986 में वेंडी की शादी स्टॉकटन रश से हुई थी और वेंडी ने खुद 3 बार ओशन गेट एक्सपेडिशंस में हिस्सा लिया है। वो पिछले 2 साल में टाइटेनिक का मलबा देखकर आ चुकी है। वो कंपनी के कम्युनिकेशन डायरेक्टर है। इसके अलावा कंपनी के चैरिटेबल फाउंडेशन में काफी समय से बोर्ड मेंबर भी है। उनके पति स्टॉकटन ही पनडुब्बी को ऑपरेट कर रहे थे जिस समय वो पनडुब्बी जो है वो डूब गई थी। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे ही अटलांटिक महासागर में डूबी पनडुब्बी टाइटन से जुड़ी उम्मीदें जो थे वो कमजोर होती जा रही थी और ये पनडुब्बी 1912 में डूबे टाइटेनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए टूरिस्ट को लेकर जाती थी। अजीब बात है कि पनडुब्बी को ऑपरेट करने वाली कंपनी के मालिक का डूबे हुए टाइटेनिक से गहरा रिश्ता था। उनकी पत्नी के परदादा दादी की मौत उस हादसे में हो गई थी। उनका एक सीन 1997 में रिलीज हुई फिल्म टाइटेनिक में भी नजर आया था। दोस्तों जैसे कि हमने बताया और आपको पता ही है कि टाइटन पनडुब्बी को अमेरिका स्थित ओशन गेट कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है और जैसे कि हमें पता है कि जो पनडुब्बी जो टाइटेनिक का मलबा दिखाने के लिए ली गई थी वो पर पर्सन $250,000 चार्ज करने वाली ये यात्रा जो है वो 8 घंटे की वहां पे करी थी। उसमें से 2 आवर्स जाने के लिए टाइटेनिक के मलबे तक पहुंचने तक के, 2 आवर्स वहां से वापस ऊपर आने के लिए और 4 घंटे वहां पे टाइटेनिक का मलबा जो है वो दिखाने के लिए, यानी कि यात्रियों को वहां पे घुमाने के लिए और दिखाने के लिए। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार टाइटन एक रिसर्च और सर्वेक्षण पनडुब्बी है जिसमें 5 लोग सवार हो सकते हैं और ये टाइटेनियम और फिलामेंट घाव कार्बन फाइबर से बना है। 22 फीट लंबे इस जहाज का वजन 10,432 किलोग्राम था जो लगभग 6 औसत आकार की कारों के बराबर था। ये टाइटन 4,000 मीटर यानी कि 13,123 फीट गहराई तक जाने में केपेबल था, लेकिन टाइटेनिक का मलबा तो लगभग 12,500 फीट नीचे ही है। दोस्तों वीडियो गेम के नियंत्रक से संचालित इन यान में चारों ओर घूमने के लिए 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स का उपयोग किया गया था जो कि आप लेग्स के नाम से भी जान सकते हैं, जो उसे यानी कि टाइटन पनडुब्बी को आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करने में केपेबल थे। और गहरे समुद्र की खोज में ये सहायता के लिए कैमरे, रोशनी और स्कैनर की एक बैटरी थी। टाइटेनिक के मलबे तक सबमर्सिबल में गोता लगाने में आमतौर पर लगभग 10 से 11 घंटे का समय जो है वो ये लोग गिन के चलते हैं। जबकि टाइटन के संचार प्रणाली के बारे में बहुत कुछ नोन नहीं है। ये जहाज गहराई वाले लोकेशन जैसे सिंपल मैसेजेस को भेजने के लिए सोनार पर डिपेंडेंट रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेडियो तरंगे गहरे पानी में संचारित नहीं हो पाती। और दोस्तों ये टाइटन पनडुब्बी जो थी वो सबमरीन हम बोल रहे हैं, सबमरीन आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट ये एक्चुअल में सबमर्सिबल थी। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है जो हम आपको बताने वाले हैं। सबमर्सिबल और पनडुब्बी में जो बड़ा अंतर है और दोनों को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक सबमर्सिबल पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है और इसमें खुद को समंदर में लॉन्च करने और अपने आप वापस लौटने की इनफ पावर नहीं है। इसे लॉन्च करना और इसे वापस ऊपर लेके आना एक सहायता जहाज पर निर्भर करता है। सबमर्सिबल गर्म हवा के गुब्बारे की तरह काम करते हैं जो नीचे उतरने के लिए उसके वेट का जो उपयोग करते हैं। और इस केस में पोलर प्रिंस द्वारा टाइटन सबमर्सिबल को उत्तरी अटलांटिक ओशन में एक निश्चित पॉइंट पर गिराया गया था। लेकिन आपको बता दें कि गोता लगाने के 1 आवर 45 मिनट्स के बाद टाइटन का जो सहायक जहाज है जो पोलर प्रिंस के साथ कनेक्टेड था वो संपर्क जो है वो टूट गया। हालांकि एक पनडुब्बी में बंदरगाह छोड़ने और अपने आप वापस लौटने की इनफ पावर होती है। पनडुब्बियों को डीजल इंजन या यहां तक कि परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित किया जा सकता है और लॉन्च करने के लिए किसी सहायता जहाज की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों ये था मेजर डिफरेंस। दोस्तों जहाज के बारे में और बताएं तो एक छोटा सा जहाज होने के कारण ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए उतरते और चढ़ते समय लाइटें बंद कर दी जाती है और इस अवधि के दौरान फ्लोरोसेंट चमक वाली छड़ी का उपयोग करते हुए उतरने और चढ़ने में लगभग 2.5 घंटे का समय ये लोग इनफ मानते हैं। दोस्तों वॉशिंगटन स्थित ओशन गेट एक्सपेडिशन नाम की एक निजी कंपनी टाइटन का संचालन करती थी और गहरे समुद्र में पर्यटन अन्वेषण के लिए जाने वाली कंपनी ने 2021 और 2022 में टाइटेनिक के मलबे वाली जगह पर अपनी पहली यात्रा की। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मई 2021 में एक अमेरिकी अदालत के समक्ष दाखिल पिटीशन में कंपनी ने कहा कि टाइटन ने 50 से ज्यादा परीक्षण गोता लगाए जिसमें बहामास और दूर के एक दबाव कक्ष में टाइटेनिक की समतुल्य गहराई भी शामिल है
और कंपनी ने दावा किया कि 2021 और 2022 में 46 लोगों ने सबमर्सिबल से टाइटैनिक के मलबे वाली जगह तक सक्सेसफुल यात्रा की है। टाइटन के अलावा ओशन गेट कंपनी में दो और सबमर्सिबल है, एंटीपॉड्स और साइक्लॉप्स 1। एंटीपॉड्स और साइक्लॉप्स 1 सतह से क्रमशः 1000 और 1640 फीट नीचे यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, टाइटन की सेफ्टी को लेकर कंपनी के एक्सपर्ट्स की आलोचना का सामना करना पड़ा। 2022 में सबमर्सिबल को अपने शुरुआती डाइव पर बैटरी की समस्या का सामना करना पड़ा और इसके लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म पर मैनुअल अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट भी पड़ी थी। इसके अलावा 2018 में ओशन गेट के पूर्व कर्मचारी ने जहाज के साथ संभावित सुरक्षा समस्याओं की चेतावनी भी दी थी। दोस्तों, आपके क्या विचार है ओशन गेट कंपनी और इसने जो बनाई थी ये सबमरीन, या अगर कहे कि सबमर्सिबल जिसका नाम था टाइटन, इसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।